2 सितंबर को पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस पर्व को देश के कोने कोने में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण को काफी रोमांटिक भगवान के रूप में पूजा जाता है। प्रभु के प्यार की लीला भी अलग प्रकार की थी। आज भी उनकी छटा मथुरा में देखने को मिलती है। आपको बता दें, यह दुनिया में हर किसी को प्यार की जरूरत होती है। हर सभी की चाहत अपना सच्चा प्यार पाने की होती है, जिसके चलते वो अपने प्यार के साथ अपना दुख दर्द बांट सके। उसके बाद उसकी जिंदगी में आधे कलेश दूर हो जाते हैं। बहुत से लोगों को जीवन भर सच्चा प्यार नसीब नहीं हो पाता है, लेकिन अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी यानी 2 सितंबर जन्माष्टमी के दिन 5 राशियों को उनका सच्चा प्यार मिलने वाला है। इस दिन भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से 5 राशियों को उनका भरपूर प्यार मिलने के योग बन रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं उन 5 राशियों के बारे में। मेष राशि। इस राशि के जातक काफी दिनों से अकेलेपन और तन्हाई से परेशान हैं। उनके लिए अच्छी खबर है, इस बार 2 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच आपको एक ऐसी साथी मिलेगा जिसकी तलाश आप काफी अरसे से करते आ रहे थे। इसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी भी नहीं होगी। कर्क राशि। इस राशि के जातक 2 सितंबर से किसी के भी प्यार में पड़ सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे शख्स से टकरा जाएं जिसको देख आपको लगे कि बस यही है जो आपको तलाश थी, वो आप इस मौके को हाथ से न जाने दें। ना कि बिहारी की कृपा आपके ऊपर होगी, इस समय की गई कोशिश का फल आपको जरूर मिलेगा। कन्या राशि। इस राशि के जातकों के लिए 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर का समय लकी साबित होने वाला है। इस समय आपके जीवन में कोई भी नया शख्स आ सकता है जिससे आपको प्यार होते देर नहीं लगेगी। आपकी दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है। आपको जब किसी अनजान शख्स से दोस्ती करने का मौका मिले तो आप इसे नहीं गंवाएं। धनु राशि। आपको बता दें, 2 सितंबर से 25 सितंबर के बीच उनकी लाइफ का सच्चा प्यार मिलेगा। ये खास शख्स आपको किसी धार्मिक जगह या किसी पब्लिक प्लेस में मिल सकता है, जिसका आपको सदियों से इंतजार था वो आपको अब मिल सकता है। मीन राशि। बाकी बिहारी के आशीर्वाद से आपको 2 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच सच्चा प्यार मिलने के योग है। इस मौके को आप अब गवाएं तो अच्छा नहीं होगा। कोई भी नया मनुष्य आपके जीवन में आ सकता है। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट। Start your career with us.